सांबा जिले का सुंब हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां स्वच्छ भारत मुहिम की धज्जियां उड़ाई जा रही है, स्कूल परिसर में आसपास फैली गंदगी से बच्चों के लिए परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। कूड़े के ढेर और साथ ही गंदा पानी इकट्ठा होने से परिसर में मच्छर कक्षाओं में जाकर छात्रों के लिए सरदर्दी बन रहे हैं। ऐसे में स्कूली छात्रों साथ साथ स्थानीय लोगों ने स्कूल प्रशासन से अपना रोष प्रकट करते हुए कहा कि स्कूल परिसर में गंदगी से जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन को बताने के बावजूद भी किसी अधिकारी ने इनकी सुध नहीं ली। एक प्रॉब्लम कि हमारे स्कूल में बहुत मच्छर है, हम बैठ भी नहीं सकते, क्या हम जो लाइट भी नहीं आती और क्या मच्छर। टीचर को हमें बहुत बार बताया कि हमें कोई बिजली, हमें कोई मच्छर जैसे भगा और कोई हमें बहुत कुछ करते हैं। टीचर को कुछ हजार बार बता चुके हैं, पर क्या करें, टीचर को मानते नहीं होता, कह रहे कि इतना चलता है, काम तो चलता है। एक दिन अब हम बैठे तो इतना मच्छर था कि हमें मच्छर उड़ गया, और नो ऐसे कभी कभी आती है, जब पंखे भी खराब होते हैं। हम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के बाहर हैं, और जहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल सेकेंडरी में जो इतनी गंदगी फैली हुई है, आप देख सकते हैं कि जहाँ पे जो छात्र पढ़ते हैं उनका कहना है कि जहाँ पे इतनी गंदगी है कि उनसे जो अंदर क्लासेस लगती हैं उनसे अंदर नहीं बैठा जा सकता है। हम सांबा और डी सी और सी ओ सांबा से कहना चाहते हैं कि इस गंदगी का कोई इलाज किया जाए, ताकि जो बच्चों को परेशानी हो रही है पढ़ने के लिए उनको सुविधा मिल सके। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था कि स्वच्छता ही सेवा है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इतनी गंदगी फैली हुई है, वो भी स्कूलों में जी। आप देख सकते हैं कि बच्चे इतने परेशान हैं इस गंदगी के कारण, वो अंदर नहीं बैठ सकते हैं, और हम कहते हैं कि इस गंदगी का जल्द से जल्द कोई उपाय किया जाए, ताकि बच्चों को राहत मिल सके।